एग्जाम्पल नंबर फोर में है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है ट्वेल्व। अब माइनस एक्स को हमें इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करने पे ट्वेल्व आए। तो हम माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, प्लस का थ्री एक्स माइनस का फोर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन कौन सा आता है बड़े वाला, तो माइनस का एक्स माइनस टू। अब कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे। थ्री एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, टू टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। एक एक्स बाहर आ गया और थ्री बाहर आ गया, और तो टू अंदर बचा क्योंकि थ्री टू से सिक्स होता है, और इधर बचा वन क्योंकि थ्री एक्स तो पूरा बाहर आ गया। इसमें माइनस टू लेंगे कॉमन, तो क्या बचा अंदर, टू टू एक्स प्लस वन। तो ये दोनों सेम हो गए ब्रैकेट वाले, टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बाय थ्री और एक्स की माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब ये है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें वही करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 7 को ऐसे इस तरीके में तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब रूट के अंदर अगर सेम नंबर होता है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब √2 × √2, तो वो क्या होता है, 2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमें 7 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और तोड़ने प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो 7 को क्या हम लिख सकते हैं, 7 को 5x प्लस 2x, एक्स दोनों के साथ लगाना है, अगर यहाँ कुछ भी है तो दोनों के साथ लगा। तो 7x को 5x प्लस 2x लिख दिया, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पहले वाले ये 5 वाले को 5 के साथ कंबाइन कर लेंगे और इसको इसके साथ, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसमें से हम √2 कॉमन ले लेंगे, √2x, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है, 2। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस √2 और एक आ जाएगी √2x इक्वल टू माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय √2। ठीक है, यही x की हमें दो वैल्यू निकालनी है।